कल मैं निकलने वाला हूँ मनाली के लिए और अपनी स्विफ्ट जो है वो करीबन भाई अपने 8000 वाले जो टर्म पीरियड में यानी कि सर्विस में आती है वो आने वाली है। तो भाई सर्विस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सर्विस करवा लेते हैं क्योंकि कल मनाली जाना है, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं आज ही सर्विस करा रहा हूँ। तो मजा आएगा आज की वीडियो देखो। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और भाई मुसाफिर आप लोगों के लिए आज बहुत स्पेशल चीज़ लेके आया है। भाई आप लोगों ने इससे पहले मेरी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराता था, विशाल की गाड़ी की सर्विस कराता था, और वो वीडियो मैं आप लोगों के पास तक लेके आता था। उसमें कुछ लोगों ने नीचे कमेंट करके कहा कि भाई हम लोग कंपनी से नहीं करवाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई एक अच्छी शॉप हो, अच्छा शोरूम हो, लेकिन कंपनी ना हो। तो भाई मैंने उसके बाद काफ़ी सारा रिसर्च किया, उसमें मेरे को कम से कम एक महीना गया जिसमें मैंने बहुत सारे आउटलेट्स में विजिट किया, स्पेशली द्वारका, लाजपत नगर, विकासपुरी, इन साइड में मैं गया। इसके बाद जब मैं गूगल में सर्च कर रहा था तब मेरे सामने ये आया जो लाल रंग का दिख रहा है, तो पीछे लिखा हुआ है भाई गो मैकेनिक। सो आप में से जो भी भाई इंटरेस्टेड है कि भाई ये है क्या, तो भाई गूगल में सर्च करके आप लोग इनके बारे में जान सकते हो। जहाँ पर मैं आया हूँ ये है गुड़गांव सेक्टर 54, 22 किलोमीटर मेरे घर से। और अभी भाई मैं आया हूँ कैपिटल मोटर वर्क्स, सो इट्स पावर्ड बाय गो मैकेनिक। तो भाई एक तरीके से कह सकते हैं कि आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने आया हूँ। और मैं लिटरली एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पहुँचा था ना तो भाई यहाँ पर माहौल थोड़ा अलग सा था क्योंकि आसपास सारी की सारी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि यार भाई ये कहीं अब मेरी गाड़ी की सर्विस करने से मना ना कर दे, क्योंकि मैंने इनसे पूछा नहीं था। तो भाई अभी थोड़ा अंदर जाते हैं, मैंने गाड़ी साइड में पार्क कर रखी है और अंदर जाके देखते हैं भाई क्या बातचीत है और गाड़ियाँ दिखाऊंगा। भाई एक नंबर की गाड़ियाँ खड़ी अंदर। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पर पार्क हो रखी है और साइड में भाई देख लो कौन सी गाड़ी है, ठीक है ऑडी खड़ी है, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी भी ऑडी से कम नहीं है। इसी के साथ में भाई एक बार बोर्ड चेकआउट कर लो पहले आप लोग, ठीक है। सेक्टर 54 में आया हूँ, इसी के बाद मैं आप लोगों को अंदर लेके चल रहा हूँ। भाई बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी है, ये ब्रेक डाउन होके आई थी गाड़ी अभी। सो भाई एंट्री में ही आप लोगों का स्वागत करने के लिए गाड़ी खड़ी है भाई, जैगुआर। एक एक तरीके की आप लोग यहाँ पर गाड़ी चेकआउट कर सकते हो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की कार्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब ये कौन सी है बताना भाई कमेंट करके नीचे, ठीक है। नॉर्मल गाड़ी भी खड़ी है भाई, ठीक है, हाई एंड कार्स तो है ही, नॉर्मल कार्स भी खड़ी हुई है। और देखते हैं भाई अपनी गाड़ी का क्या होता है, क्योंकि अपनी गाड़ी मैं कहाँ लगवाऊंगा ये देखूंगा मैं। और भाई आज जो है गाड़ी की सर्विस होने वाली है, जो भाई बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं अच्छी जगह दिखाओ मेरे को, कोई बढ़िया जगह दिखाओ, हमें रोड साइड से नहीं कराना है, तो भाई उनके लिए एक बहुत बढ़िया फिक्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो चलो भाई करते आज की वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले मैं ज़रा पूछ लेता हूँ इनसे कि क्या क्या तरीका रहेगा, कितना टाइम लगेगा और कितना मजा आने वाला है। तो भाई हमें अटेंड करने के लिए यहाँ पर एक भाई आ चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी एक चीज़ बताओ, अपनी गाड़ी में लेके आया हूँ आपके पास, तो गाड़ी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 8000 किलोमीटर चल गई है, डीजल गाड़ी है, और ये रही चाबी, एक बार ज़रा ऑन करके आप भी चेक करो कि गाड़ी में कुछ आवाज़ आवाज़ में, ऑयल का क्या लेवल है, वो सब चीज़ें चेक कर लो। दूसरे भाई भी है यहाँ पर, क्या नाम है भाई? जितेंद्र। तो भाई जितेंद्र भाई आप भी थोड़ा देखना ज़रा गाड़ी में क्या है। तो गाड़ी का जो है भाई बोनट हो चुका है ओपन, और इसी के साथ में भाई थोड़ा ऑयल लेवल चेक कर लेना, ब्रेक ऑयल सब चीज़ें चेक कर लेना, ठीक है। और ये अपना बैटरी वाला जो होता है, तो इसमें बेसिक सर्विस कराया या क्या करवाऊँ मैं? सर अभी आप स्टैंडर्ड सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट करूँगा मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्विस के लिए क्या क्या होता है इसके अंदर? इंजन ऑयल चेंज होगा, ठीक है, एयर फिल्टर चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा, बाकी कूलेंट टॉप अप, फ्यूल फिल्टर चेक, ठीक है, ब्रेक पैड सर्विस होंगे, ब्रेक फ्लूइड टॉप अप होगा, ठीक है, गियर ऑयल भी इसमें चेंज कराने की जरूरत नहीं क्योंकि गाड़ी कम चली है। गाड़ी तो अभी मेरी मतलब लगा लो पिछली सर्विस में ठीक थी, 8000 चलाई है मैंने, तो अभी गियर ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका बैटरी वाटर जो है वो चेक कर लोगे? हाँ जी, स्पार्क प्लग क्लीन कर देंगे, ठीक है। कैबिन फिल्टर अगर जरूरत हो, कैबिन फिल्टर वैसे देख लेना, चलो अगर आपको चेक करना हो, उसके लिए डैशबोर्ड तो नहीं खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो डैशबोर्ड नहीं खुलता, वो वैसे ऐसे चेक हो जाएगा ना, तो वो भी देख लेना। टायर अपडेट करेंगे अगर जरूरत है तो? वैसे मैंने टायर ठीक है, अभी टायरों में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मैंने इसको वो भी करवा लिया चेंज, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी बेसिक सर्विस है। हाँ जी बेसिक सर्विस है, स्टैंडर्ड सर्विस है, ये स्टैंडर्ड सर्विस है। इसके सिवा और कौन सी सर्विस होती है? बेसिक सर्विस भी होती है सर, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस भी है, ठीक है। तो हमारी स्टैंडर्ड सर्विस वाले में कर लो जो जो चीज़ होती है। और एक चीज़ और बताना मेरे को, इसका क्या आइडिया होता है कि कितने में हो जाती है सर्विस, थोड़ा आइडिया दो मेरे को। 3000 के आसपास आपकी सर्विस हो जाएगी। 3000 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा जो बिल विल में जो भी लग के आएगा। तो भाई उसमें लेबर वेबर सब कुछ इंक्लूडेड है या अलग होता है? सब कुछ इंक्लूडेड है। तो भाई बना दो फिर एक बारी, राहुल जोशी लिख दो नाम,
ठीक है गाइज, इसको भरवा लेता हूँ एक बारी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई भैया जो है यहाँ पर थोड़ा ऑयल का भी एक बारी मैंने बोला, एक बार चेक कर दो कितना कालापन है। कालापन दिखाएंगे भैया आपको, बोलते सर पूरा काला हो चुका है, ऑयल पूरा काला है जी। देख लो भाई एक बार हालत। तो सही टाइम है ये सर्विस कराने का ना? सही टाइम है ना। इसी के साथ में ब्रेक ऑयल भी देख लो भैया एक बारी, लेवल ठीक है ब्रेक ऑयल का, डलेगा? और ब्रेक ऑयल लेवल कम हो चुका है, ब्रेक ऑयल लेवल कम है, वो हम टॉप अप कर देंगे उसको, टॉप अप हो जाएगा ना। चलो ठीक है। और देख लो कूलेंट वूलेंट वाला भी देख लो, कूलेंट में भी कुछ कमी लग रही है लगता है मेरे को। कूलेंट लेवल भी कम है, कूलेंट लेवल भी कम है ना। तो भाई अपनी सर्विस जो है वो सही टाइम में हो रही है। और इसी के साथ में बैटरी का भी मैं पूरा जो पानी है वो चेक करवा दूंगा। एयर फिल्टर तो मैंने अभी चेंज कराया था, लेकिन अगर भैया बोलेंगे कि भाई जरूरत है चेंज कराने की तो करा लेंगे। तो भैया एक बार आप टेस्ट ड्राइव ले लो इसकी, थोड़ा चेक कर लो इसको चला के, और अगर आपको भी कोई कमी लगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सेलेरेशन में ना, जैसे मैं इसको एक्सेलेरेट करता हूँ वैसे तो सही चल रही है, धुआं हुआ नहीं दे रही है, लेकिन कभी कभी जैसे थोड़ी एक्सेलेरेशन में कमी लगती है ना। हाँ एक बार आप चला के देख लेना। तो भाई भर दिया हमारी सीट, तो भाई एक बारी वो भी चेकआउट कर लो आप लोग, भाई ने भर दी होगी सीट पूरी, ठीक है अपने नाम से। आपका नंबर? नंबर तो भैया मैं वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो के बाद बताता हूँ, ठीक है। हमारा भर दिया देख लो एक बारी आप लोग, ठीक है सब चीज़ें भर दी है। और चलो भाई नंबर बताता हूँ और उसके बाद सब निपटा। तो भाई भैया गाड़ी चला के आ चुके हैं, भैया कैसी लगी है गाड़ी चलाने में? सर गाड़ी तो अभी ठीक है, पिकअप में जो आप कमी बता रहे हो ना वो कमी नहीं है, कमी नहीं है, पिकअप ठीक है। सर्विस का ही लग रहा है मेरे को, तो लगा दो एक बार इसको अंदर, लगा दो सर्विस कर दो इसकी बढ़िया वाली, लगा दो लगा दो। तो भाई अपनी गाड़ी जा रही है अंदर ही, और देख लो जैगुआर्स के साइड से पास आउट होती हुई जा रही है। सो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोसेस चलने वाला है वो है पूरी गाड़ी को कवर किया जा रहा है। क्या रीज़न है भैया इसका ये भी बता दो जरा ऑडियंस को। सर इससे क्या होता है कि गाड़ी गंदी ना हो, इसे काम करते हैं तो थोड़े काले हाथ हो जाते हैं, तो उससे गाड़ी कहीं गाड़ी में लगेगा तो सीट खराब होगी ना। बिल्कुल। और इसी के साथ में अगर कोई टूल वूल भी चल रहा है तो उसकी सेफ्टी भी हो जाती है। तो भाई देख लो, तो ये हमारे आगे पीछे दोनों तरफ में होगा पूरा कवर, या केवल आगे की साइड में कवर किया जाता है? एक ही किया जाता है, बैठने की। ठीक है जहाँ पर बंदा बैठता है। ठीक है भाई देख लो एक बारी, ठीक है फुल कवरिंग कर दिया, देख लो पहले अंदर, ठीक है। और गो मैकेनिक का पूरा इसमें ब्रांडिंग आप लोगों को होती हुई दिख जाएगी, गो स्मार्ट, बढ़िया लग रहा है भाई। अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं। जैसे सेम आप लोगों ने सीट्स में देखा था कि सीट्स को पूरा कवर करके, आपके स्टेयरिंग को पूरा कवर करके इसको प्रोटेक्शन दी गई थी, वैसे ही फ्रंट पे भी की गई है। और ये जो है भाई दिस इज प्योर मैग्नेट, और इसका मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा भाई। देखो सर्विस अगर आप कंपनी में भी कराने जाते हो तब भी आपको ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। इसका फायदा क्या है, जो स्क्रैचेस आपके साइड में लग जाते हैं, आपकी लाइट में लग जाते हैं, वो चीज़ यहाँ से प्रोटेक्ट हो जाती है। फ्रंट में अगर आप कहोगे कि भाई बम्पर में स्क्रैचेस न लगे, उसके लिए प्रोटेक्शन है। एंड अगेन समथिंग डिफरेंट, और कुछ कॉन्सेप्ट बना के काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई लगा लो कंपनी जहाँ पर जब ओरिजिनली काम करवाते हो वहाँ पर तक ये प्रिकॉशन नहीं ले जाते, लेकिन आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेट्स सी कि सब कुछ कैसा रहेगा। और बहुत सारे दोस्त जो बोल रहे थे मेरे से कि भाई आप इंजन ऑयल कौन सा डलवाओगे, इससे पहले तो आप कैस्ट्रॉल डलवाते थे, इस बार किसके लिए आप स्विच करने वाले हो? तो भाई मैं आपको एक इंजन ऑयल और बताया था जो कि मैं प्रिफर कर रहा हूँ, और बताऊंगा जरूर कि भाई कौन सा। इसी के साथ में ब्रेक ऑयल भी दूसरी कंपनी का ही डलवाऊंगा, तो लेट्स सी कि कौन सा रहने वाला है और क्या रीजन है उसको डलवाने के पीछे। यहाँ पर जो है भाई ने सब चीजें लाके रख दी है, और सबसे जरूरी चीज जो ऑयल इस बार मैं डलवाने वाला हूँ वो मोबिल का रहने वाला है। भैया कौन सा है एक बार जरा दिखा दो लोगों को। मोबिल वन इंजन ऑयल है, ये डीजल कार के लिए बेस्ट ऑयल है, बेस्ट ऑयल है डीजल के लिए। 5W40 फुली सिंथेटिक है, फुली सिंथेटिक है। और गाइस आप लोगों को एक फौरन अपडेट एक चीज बता देता हूँ भाई, इसका रिस्पांस मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसी का रीज़न यही है कि भाई आपके भाई ने ये चूज़ करने का प्लान किया है। बाकी एक बार आप देख लो एडवांस वेयर प्रोटेक्शन, पीछे की तरफ भी अगर आप लोग जाके देखते हो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोबाइल वन इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग सिंथेटिक इंजन ऑयल ब्रांड, और ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बाकी इसके सिवा और क्या भी एक बार वो दिखा दो। सर ये गियर ऑयल है, ये गियर ऑयल है, तो गियर ऑयल की भी ज़रूरत है हमारी गाड़ी में, ट्यून अप की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ेगी? अगर गाड़ी चल जाती है आपकी 20,000 से ऊपर किलोमीटर, ठीक है, तो फिर जरूरत पड़ती है। तो मैंने 20,000 से ऊपर तो चला लिया, तो फिर इसको आपको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है गियर स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है, और गियर बॉक्स की लाइफ पड़ जाती है। चलो ये भी चीज़ ठीक है, ठीक है, ये रिकमेंड करती है मारुति। तो भाई ने ये भी चीज़ बताया कि मारुति रिकमेंड करती है, तो एक बार देख लो आप बाद में बोलोगे GX वाला है, और यही हम डलवाने वाले हैं। इसी के साथ में देखो भाई मैं आप लोगों को जैसे बता रहा था ब्रेक पैड्स के बारे में, तो ब्रेक पैड्स का क्या रिस्पॉन्स है अपनी गाड़ी में, आवाज़ है हल्की फुल्की?
हाँ हल्की आवाज है, लेकिन हम इसको खोल के चेक करेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है चेंज करने के लिए, ठीक है, चेंज करेंगे अगर चेंज करने की जरूरत होगी। और ये गो मैकेनिक का अपना जेन्युइन जो आप कहते हैं ना इन हाउस वाली चीज है, तो ये उनकी यही इन हाउस वाली चीज है। और इसके बाद भाई मारुति जेन्युइन की जो चीज आप लोग यहाँ पर देखने वाली है, ये अपना एयर फिल्टर होगा, है ना, एयर फिल्टर है ये अपना, ठीक है, ये जेन्युइन वाला ये एयर फिल्टर है। और इसी के साथ में ये है अपना ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है ये अपना, ऑयल फिल्टर आ गया यहाँ पर। और ये डीजल फिल्टर, ये डीजल फिल्टर है। तो भाई देखो मैं आप लोगों को बताया था, डीजल गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है और अच्छी चीज को चाहिए, ऑलवेज गो फॉर जेन्युइन डीजल फिल्टर। और अपने पास भैया अगर कोई भी इधर आता है जैसे, तो हमारे पास सब जेन्युइन, जैसे कोई भी गाड़ी है Hyundai हो Honda सबके जेन्युइन मिलते हैं। तो भाई ये जनरल मिलते हैं और आप लोगों को ब्रांडिंग के साथ में प्राइसिंग भी दिख जाएगी। लोगों को बताता हूँ, यूजुअली जब हम लोग सर्विस कराते हैं तो भाई वो बंदा नीचे लेटता है और उसके बाद वो वहाँ पर नट खोल के तेल सारा कलेक्ट करता है, और उसमें होता क्या है थोड़ा सा तेल इधर उधर भी गिर जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर सब चीज़ें अपने पास हाइड्रोलिक वाली है, तो गाड़ी जो है पूरी की पूरी ऊपर उठाई जाएगी। आप लोग देख सकते हो भैया यहाँ पर जो है पूरे परफेक्ट तरीके से लगा रहे हैं नीचे से। और इससे क्या होता है भाई, एक तो काम में ईज आ जाती है, और इसी के साथ में अगर कोई लीकेज हो हल्की फुल्की दिक्कत हो नीचे की तरफ है तो वो भी चेकआउट हो जाता है। तो भाई जो है यहाँ पर वही प्रोसेस को करने वाले पर यहाँ पर चेकआउट कर लो कि भाई जो कैबिन फिल्टर है वो कुछ ऐसा दिखने में है। ठीक है भाई, आ चुका है अपना तेल और काफी गाढ़ा और काला लग रहा है भैया, काफी काला हो गया सर इसका, काफी काला हो गया। तो इसका इसका क्या रीजन हो सकता है कि 8000 किलोमीटर में बहुत ज्यादा कालापन आ गया, इसका कोई रीजन हो सकता है? एक तो डीजल गाड़ी में ना थोड़ा कार्बन भी ज्यादा होता है, कंप्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, उस वजह से भी हो जाता है उस वजह से। तो कोई ऐसे तो सीरियस बात तो नहीं है कि कोई टेंशन लेने की जो बात है। बाकी अब इसका अगर गाड़ी इतनी चल चुकी है तो इसका डीजल फिल्टर चेंज करवा लीजिए। डीजल फिल्टर चेंज करा लूँ? हाँ जी। तो वो हमारा जो नॉर्मल वाला मैंने पैकेज लिया उसमें होगा? हाँ नहीं, उसमें नहीं होगा सर, वो कॉम्प्रेसिव सर्विस में होगा। कॉम्प्रेसिव सर्विस में होगा, तो उसका क्या आइडिया होता है, थोड़ा आइडिया बताओ उसमें, मतलब प्राइस बढ़ेगा उसमें? थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। चलो वो भी देखते हैं, अभी तो बहुत बुरी हालत लग रही है भाई तेल की, देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वाला ही करवा लेते हैं भाई, वही बढ़िया रहेगा और लाइफ भी बनी रहेगी ना उससे गाड़ी की। कितने हज़ार किलोमीटर के बाद डीजल फिल्टर की लाइफ खत्म हो जाती है? तो मारुति में 20,000 किलोमीटर बाद चेंज कर देते हैं, 20,000 किलोमीटर बाद। चलो भाई ऑयल निकलने देते हैं, और इसके बाद भाई बहुत काला है भाई, बहुत ज़्यादा काला है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर भाई ने आप लोगों को बताया था कि गियर ऑयल का जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किलोमीटर्स काफ़ी हो गए और मैंने वो चेंज नहीं करवाया था। तो लेट्स सी इसकी भी क्या कंडीशन निकलती है। एक और तसला जो है वो भाई लेके आ चुके हैं। अगेन जब आप प्रोफेशनल जगह में काम करवा रहे हो तो वहाँ पर हर चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखा जाता है, वो है कि भाई आपका जो वर्क प्लेस है वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने सामने देख सकते हो। तो भाई इसका भी एक बार रिस्पॉन्स देखते हैं कि इसके उसमें भी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। देखो क्या कंडीशन है भैया, भैया अभी खराब ही हो चुका है, खराब हो चुका है। कंडीशन देखो एक बार, हमारे साथ अंकल भी यहाँ पर, अंकल क्या कंडीशन है अभी देखने के उससे? खराब है, खराब है ना, पतला हो गया, बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। तो भाई देखो मैं आप लोगों को यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग कहीं से भी काम करवाते हो तो अगर प्रोफेशनल लोगों के बीच में रहकर काम करवाओगे तो आपको अच्छी चीज़ें भी पता चलती है। और अगर भाई मेरे को नहीं बताता कि भाई आपका ये भी ख़राब हो सकता है या ये भी आपको चेंज कराना पड़ेगा तो मैं नहीं करवाता। और ये जो है इंजन की लाइफ में फ़र्क पड़ता है ना भैया? हाँ, गियर बॉक्स की लाइफ में फर्क पड़ेगा, गियर बॉक्स की लाइफ में फर्क पड़ेगा, इंजन वैसे इंजन की लाइफ में फर्क पड़ेगा, इंजन की लाइफ से। तो भाई देख लो उधर भी अब थोड़ा ऑयल निकल रहा है, इसलिए भाई ने नीचे लगाया हुआ है, ठीक है, इसको भी भाई अभी नीचे लगा देंगे थोड़ी देर बाद, तो ये बिल्कुल परफेक्ट। तो भाई देख लो दोनों बिल्कुल काले हो गए, बिल्कुल काले। ऑप्सी जो है वो नट्स लगा दिए गए हैं, जो आप लोगों के इंजन ऑयल वाले थे और जो गियर ऑयल वाले थे, तो जितना ऑयल था वो सारा का सारा नीचे आ चुका है तसले के अंदर। सो बाकी जो है नट टाइट कर दिए, क्योंकि ऊपर से हम लोग उसकी रीफिलिंग की जाएगी। तो भाई यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और एक बार भाई से मैंने सबसे पहले ये बात पूछी थी कि सस्पेंशन की क्या बातचीत है, क्या बातचीत है? बिल्कुल ओके है आपकी गाड़ी का, बिल्कुल ब्रांड न्यू है भाई, ब्रांड न्यू। तो मैंने एक एक चीज़ इसके अंदर चेंज करवा दी थी, इसकी वजह से सब कुछ बिल्कुल ओके चल रहा है। और बाकी देखते हैं भाई अभी क्या क्या चीज़ होगा, क्योंकि सबसे मेन है डीजल फिल्टर देखना है, मैंने उसकी क्या लाइफ हो रखी है ना भैया? हाँ, डीजल फिल्टर हमने देखना है। और हमने जो है भाई वो थोड़ा अपना पैकेज जो है वो दूसरा वाला ले लिया। कौन सा पैकेज था भाई वो जो मैंने आपको बोला, कॉम्प्रिहेंसिव वाला ना? यस। तो उसमें क्या आइडिया होता है, जैसे इस वाले में 3,000 का था अपना, उसमें कितना बढ़ जाएगा? 5,300 के अकॉर्डिंग है, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड, एवरी टैक्सेस इंक्लूडेड टैक्सेस। ठीक है भाई, तो भाई जो अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कर रहे हैं काम। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है भाई अपनी गाड़ी में गियर ऑयल डाला जाएगा, जिसके लिए हम लोग इसको अभी नीचे लेके आ रहे हैं। और अपना गियर ऑयल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का आप लोगों को दिख रहा है।
और डालते हुए दिखाएंगे भाई कैसा रिस्पॉन्स आता है। सो इट्स टाइम कि हम लोग जो है भाई अपना ट्रांसमिशन वाला ऑयल यानी कि गियर ऑयल डाल दें। तो यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाई हुई है भाइयों ने, और नीचे एक नट खुलता है जहाँ पर दिखाता हूँ, देखो अगर आइडिया के उससे आप लोगों को देख पाए तो इसके अंदर की तरफ में होता है जहाँ पर आप लोगों का पूरा ये पाइप जो है जाके जुड़ता है। और इसको ओपन कर दिया भाई ने और पूरा सील्ड पैक होता है। अगेन मैं आप लोगों को बताया था, देखो आपके सामने सब कुछ कटेगा, दिस इज हाउ इट लुक्स। और इस पे ओरिजिनलिटी ही रहती है, तो जब भरेंगे एक बार आपको अच्छी तरीके से दिख पाएगा। देयर यू गो। सो भाई इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं मोबाइल में जा रहा हूँ, आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़रूर बताऊँगा कि भाई मोबाइल का कैसा रिस्पॉन्स आता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो है ये आराम आराम से अंदर जाता है, ये एकदम से अंदर नहीं जाएगा, गियर ऑयल आराम आराम से अंदर जाता है। एंड अगेन ट्रांसमिशन की लाइफ बढ़ानी है तो ये भाई ध्यान में रखना। इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देता हूँ, इसमें 2.5 लीटर जो है आप लोगों का ट्रांसमिशन ऑयल डलता है। और कितना डालते हैं हम लोग इंजन ऑयल? इंजन ऑयल 4.5 लीटर, 4.5 लीटर डालते हैं। तो भाई देख लो, डीजल में 4.5 आता है, डीजल में 4.5 और पेट्रोल में 3.5। तो जा रहा है भाई बहुत आराम आराम से जाता है और बढ़िया वाला चीज़ है भाई, बिल्कुल बढ़िया बना रखा है, सामने सब कुछ दिखता है। और इसी के साथ में भाई ओरिजिनलिटी का मैंने आपको बता दिया, ऊपर पूरा सील्ड पैक होता है, जब उसको आप ओपन करोगे तभी वो खुलता है। गाइस तो एक प्रोसेस जो आप लोगों ने अभी होते हुए देखा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, गियर ऑयल वाला सब चीज़ पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है, वापसी उसमें नट लगाया जा रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को फॉर अ क्लैरिटी बताया था, जब भी आप लोगों का गियर ऑयल का जो तो नीचे नट होता है वो ओपन होता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, रीज़न बीइंग कि ऊपर से जो बैटरी का सारा जो आप पानी देखते हो निकलता है वो यहीं पर जम जाता है, जिसकी वजह से वो नट टाइट हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, हल्का सा हथौड़ा मारना पड़ता है और उसका परफेक्ट हो जाता है। तो एक बार इधर से चेकआउट कर लो, प्रोसेस इज कि आप लोगों का ऑयल फिल्टर खोला जाएगा। तो दिखा दो भैया एक बार खोल के, क्या लाइफ है जरा इसकी भी लाइफ लिया देख के बताएंगे क्या हालत है भैया इसकी। भैया ये चेंज ही करना पड़ता है जब सर्विस करते हैं ना, तो वैसे क्या लाइफ है वैसे देखने से? भाई देखो अभी वैसे तो देखने में तो ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, काला ऑयल भरा हुआ था ना तो उसको चेंज ही करना पड़ता है, चेंज ही करना पड़ता है। कर दो भाई इसको भी चेंज। भाई यहाँ पर चेकआउट कर लो, अपना नया वाला ऑयल फिल्टर जो है आप लोगों को दिख जाएगा, वो पूरा काला रखा था भाई। तो जैसे जैसे ऑयल ख़राब होता जाता है वैसे वैसे वो काला होता रहता है। तो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, इसको लगाते हैं अंदर। कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा जब मैंने इसमें से अपना वो परफॉर्मेंस वाला एयर फिल्टर हटाया था केएनएन का, तो मैंने एयर फिल्टर चेंज कराया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भैया बोल रहे थे कि भाई देख लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो नया डाल देंगे, है ना, नहीं तो क्लीन करके, नहीं तो क्लीन करके डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं उसमें। तो एक बार ही खुलवा लेते हैं क्योंकि फालतू में खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई चीज़ सही है तो उसको यूज़ करा सकते हैं फिर से रीयूज़ करके। टाइम की एक बारी आप लोगों को मैं इंजन ऑयल डालते हुए दिखा दूं। अगेन ग्रेड वाइज अगर आप देखोगे, अभी तक मैं 15W40 डलवाता था, अब जो है पहले मैं सेमी सिंथेटिक डलवाता था, अब मैं इसमें सिंथेटिक डलवा रहा हूं। रीज़न बीइंग कि मेरे को देखना है परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है। ऊपर सील देख लो, पूरी सील्ड पैक है भाई, ठीक है, बाद में भाई अगर कोई बोलता है तो इन्होंने कर दिया है ओपन। और आप लोगों को पूरा प्रोसेस डालने के साथ वाला भी दिखा देता हूँ। और 15W40 का क्या है, ये पतला होता है, इसकी लाइफ अच्छी होती है और नीचे इसकी ब्रांडिंग देख लो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एडवांस फुली सिंथेटिक ऑयल है पहले बता देता हूँ। सो इसका प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि ये गियर ऑयल की तरह टाइम नहीं लेता है। सो देयर यू गो। इसी के साथ में एक बार चेकआउट कर लो कितना इंजन ऑयल हमने डलवाया है। सो 3.5 लीटर जो है वो इसमें इंजन ऑयल डलता है जो कि पूरा परफेक्टली आ जाता है। अगेन कार टू ब्रांड ये सब चीज़ें चेंज होती है। तो जैसे हमने हुंडई वाले में देखा था उसमें 4 लीटर करीब तेल डला था और इसके अंदर जो है हम लोगों का डला है 3.5 लीटर तेल। ये आप लोगों का डीजल फिल्टर, उसके लिए आप लोगों की बैटरी रिमूव होती है, ये भी हटाया जाता है ना ऊपर से, ये भी हटाया जाता है ऊपर से और उसके बाद ही जो है वो चेकअप पूरा हो पाता है। तो एक बार बैटरी खोल लेते हैं, अपनी बहुत सारी तारें लगी है, मैंने भैया को बोल दिया थोड़ा तारों का ध्यान रखना है। इसी के साथ में बैटरी का एक बार ही लेवल चेक कर लेना भैया, इसमें पानी का लेवल एक बार देख लेना क्या लेवल है। तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, तो हमारा जो डीजल फिल्टर है वो निकाल रहे हैं, क्या कंडीशन में भैया? चोक पड़ा है, चोक और का ये देखो कैसे ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया, अच्छा ब्राउन होने से पता चलता है कि चोक है। नॉर्मली क्या किस रंग का होता है? जैसे नॉर्मली ये व्हाइट कलर का आएगा, व्हाइट कलर का होता है। तो कितने किलोमीटर का होता है सर ये? नॉर्मली 20,000 के बाद चेक करता हूं, नॉर्मली 20,000 के बाद।
इस कंडीशन में आता है, तो आप लोग देख लो ओरिजिनल MGP का है। जो ब्रांड न्यू होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, अगेन ये चेकआउट कर लो। दिस इज ब्रांड न्यू, सो वो बिल्कुल चौक था, देख लो MGP का ओरिजिनल था, और इसको जो है भाई इंस्टॉल कर देंगे फिर से। तो ये चीज़ एक कराना ज़रूरी था जो कि दिमाग में नहीं था, लेकिन स्टिल परफेक्ट था। यहाँ पर चेकअप चल रहा था हमारी बैटरी का, मीन वाइज जो है भाई चेक कर रहे थे कि जो हमारा वाटर लेवल है वो कितना है, कितना है वाटर लेवल, ठीक है या फिर कमी है। ठीक है, वैसे तो पूरा है, पूरा है ना, देख रहा हूँ आप लोग। सो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है, तो इसको लगवा देते हैं वापस। इसके अंदर हम लोग डीजल भरने दे रहे हैं, क्या होता है भैया उसमें बताना जरा एक बार। डीजल हम खाली कर देते हैं, नया पूरा खाली किया हमने, नया डाल दिया, उसके बाद उसको रिफिल करना पड़ता है। तो फिर इसको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो अपना वो रिफिल हो जाएगा, रिफिल हो जाएगा। और पता क्या चलेगा हमको रिफिल हो गया, बस थोड़ा 4-5 बार फोन ऑफ करेंगे तो उसके बाद हम चल मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट अभी स्टार्ट नहीं होगी, अभी नहीं होगी, थोड़ी टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है, देख लो। इसके बाद जो काम हो गया है, सो गाइस इसके बाद जो काम हुआ है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली जो है कार्बन हटाने के लिए होता है बैटरी के, उसमें तो ये स्प्रे टाइप का आता है जो कि इन्होंने मार दिया। और स्प्रे कैसा देखने में होता है देखो, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो इट इज़ ए बैटरी टर्मिनल कोट है बेसिकली, और बढ़िया चीज़ है भाई, बाकी रिस्पॉन्स वाइज बताऊँगा। नेक्स्ट अप जो है भाई हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि पैड्स की क्या कंडीशन है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो ओके होंगे, बस उसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। और बाकी जो है टायर जो यहाँ पर रिमूव कर दिया, एंड आप लोगों को कंडीशन दिखाता हूँ जब भैया एक बार खोल दो कैसे क्लीन किया जाता है, परफेक्ट तरीके से क्लीन कर रहा है भाई, और आपको दिखाएंगे। कितना वाल अभी इतना है, एक सर्विस चल सकता है, अरे नहीं बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाने के उससे चेंज कराना चाहिए। हाँ, ये उड़ जाएंगे, ये पैड ही है, पहाड़ों में चढ़नी है गाड़ी, पहाड़ों में चढ़नी, बदल दे बेटे, ये ले नहीं लगा दे, नहीं चलेंगे वो मनाली जाना भाई, चल जाएंगे बाहर जा रहे तो चल लो, मनाली जाना आप, उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे अंदर पर। अच्छा चलो फिर यही लगा, रास्ते में तंग हो गए आप, यही लगा लेते बढ़िया, लगाने वो डिस्प्ले भी खराब हो जाएगी। तो फाइनली हमने किया है वो ये किया कि भाई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अंकल ने कहा है कि पहाड़ों में अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी। आपका खोल लेता अंकल, क्या कहते हो पहाड़ों में जा रही है तो चेंज कराना बनता है? बिल्कुल चेंज कराना बनता है, क्योंकि अगर ये 2000 किलोमीटर बिल्कुल, तो इसलिए अंकल ने बोला कि इसको चेंज करवाओ और नए वाले लगवाओ, तो इसको फिट करा रहे हैं, उसके बाद दिखा। तो इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख लो ब्रांड न्यू लग गया है, सेम आप लोगों के उस साइड के भी होंगे चेंज। और अभी हम लोग पीछे का भी चेक करवा रहे हैं कि भाई पीछे के ब्रेक की क्या लाइफ बची हुई है, क्योंकि भाई अब दूर जा रहे हैं तो एक बारी पूरा तैयारी करवा के जाना चाहिए। तो भाई एक बार इसको टाइट कर रहे हैं ओके करके, और उसके बाद आपको प्रोसेस जो हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग एक बार चेक करा रहे हैं कि ब्रेक पैड की क्या लाइफ बची हुई है, क्योंकि भाई पहाड़ों में जाना है तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक बार हैंड ब्रेक भाई नीचे कराएंगे, तो अब भाई मूवमेंट कर पाएंगे पूरे सही से। आउट कर लो, बहुत मशक्कत के बाद ये खुल गया फाइनली, और ब्रेक शू की जो भाई लाइफ है वो अभी अच्छी खासी दिख रही है कि है, चल जाएगी ना भैया? हाँ अभी चल जाएंगे, चल जाएगी ना, पहाड़ों में चली जाएगी, चल जाएगी। कितने किलोमीटर की और लाइफ होगी ये? नेक्स्ट सर्विस पे आप चेंज करा लेना, नेक्स्ट सर्विस में चेंज कराओ। तो भाई चलो चलने देते हैं, जब भाई कह रहे को दिक्कत नहीं है तो करवाएंगे। चुके हैं अंदर, और रीज़न के अंदर आने का कैबिन फिल्टर जो है वो चेक करना है क्या लाइफ है उसके, भी सबसे पहले ये देख लें हमने। सो अपने यहाँ पर कार्ड वार्ड निकल रहे हैं, तो मीन वाइल देख लो भाई ये रहा अपना कैबिन फिल्टर। एसी का जो है वो मौसम शुरू होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिल्टर निकला है ठीक है, सही है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन स्टिल ये वाला तो हमें नया डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मौसम शुरू होने वाला है ना भाई, तो नया वाले डाल दो, पुराने वाले को हटा दो, नया वाला डलवाते हैं, क्योंकि बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर जो है भाई पैसा लगाना बनता भी है, क्योंकि भाई जब कोई काम करवा ही रहे हो तो अच्छे से रच के करवाओ, क्योंकि उससे सफाई आ जाएगी गाड़ी के अंदर, उसी के साथ में एसी की जो पूरा होता है ना उसकी लाइफ बनी रहती है।
यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो, ये प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त वाला प्रोडक्ट है। और ये बेसिकली भाई किस लिए है, ये आप लोगों का जो कूलिंग कॉइल होता है उसको क्लीन करता है। क्या कहते हो भाई इस बारे में? ये बेसिकली ये एसी डक्ट क्लीनर है। ठीक है। सो ये जो वेंट होता है, एसी का वेंट होता है, इसमें डालो और इसमें एक सॉल्वेंट है जो बेसिकली वो डर्ट को क्लीन कर देता है, डिजोल्व कर देता है। और अगर मान लो केबिन से, अगर एसी से बहुत ही मस्टी स्मेल आ रही हो, बड़ी मतलब मोल्ड स्मेल आ रही हो, खराब स्मेल आ रही हो, तो ये उसको ये दम होगा उसको हटा। चलो भाई ये भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो भाई ने बताया कि ये लगा के देखो, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। मैं कूलेंट डलवा रहा था और भाई कूलेंट डलवाते हुए कूलेंट का लेवल ही नहीं बढ़ रहा था। बाद में हमने देखा कि ये कूलेंट की जो ये डिब्बी है ये लीक कर रही है। तो भाई देखो ट्रिप में जाने से पहले ये भी चीज़ अच्छी पता चल गई कि भाई इसमें भी लीकेज आ रही है कहीं। तो भाई अभी खोल के निकाल रहे हैं इसको बाहर। जो प्रॉब्लम निकल के आई है वो ये है कि भाई जो एल्बो है ना वो लीक कर रही है। ठीक है। सो एल्बो लीकेज की प्रॉब्लम है और उधर जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे वो लीकेज है। तो वो जो है हम लोग MGP का ओरिजिनली चेंज करवाएंगे। वो दिखा दो कहाँ पर लीकेज है। अंदर लीकेज है भाई, क्या होगा इसके लिए? एल्बो चेंज करनी पड़ेगी। हो जाएगा ना? ओके। कोई दिक्कत तो नहीं, जा सकता हो ना कल मनाली? हैं, कर देना भाई जल्दी से। और ये भी सारा क्लीन हो जाएगा जो गंदा दिख रहा है। लेकिन भाई चलो सही टाइम पे सही चीज़ पर चल गई। आप लोगों ने देखा था कि भाई दिक्कत आ गई थी जिसमें लीकेज सब चीज़ आ रखी थी, तो उसको बोलते हैं हाउसिंग असेंबली। आपकी थर्मोस जो इसमें लिखा हुआ है और न्यू वाला आप लोग देख लो भाई। ठीक है, ब्रांड न्यू बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पुराने वाले में लीकेज इस तरफ से कहीं से हो गई थी ना, ये लीकेज थी ना भैया, है ना? देख लो एक बार, दिखा भी दो भाई, देख लो लीकेज कहाँ से हुई थी। पूरी लीकेज यहाँ पर हुई थी। इसी के साथ में अगर आप लोग कुछ भी काम यहाँ से करवाते हो सब चीज़ जेन्युइन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, अपने लिए कूलेंट भी जेन्युइन आया है। ठीक है, यहाँ पर चेकआउट कर लो, बिल्कुल जेन्युइन जो मारुति सुजुकी का आता है वही कूलेंट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक बारी भाई इसको थोड़ा परफेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको वॉशिंग में लगाते हैं और जितना भी अंदर कूलेंट गिरा हुआ उसको जल्दी से जल्दी साफ करवा देंगे, जिससे बिल्कुल सब कुछ ओके हो जाए। बाकी एक बार इधर फिल्टर का, अगर आप लोगों ने डीजल फिल्टर वाली चीज़ चेकआउट करनी है वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो भी बिल्कुल ओके। बाकी गाड़ी ऑन करेंगे, चला के देखेंगे, अगर कोई सा भी इशू लगता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिटिंग चल रही है अपने एल्बो की, तो भाई ब्रांड न्यू एल्बो लग चुका है इसके अंदर। और कूलेंट डाल के आप लोगों को दिखाऊंगा ये बकायदा। ये थोड़ा जी ग्रीन ग्रीन बड़ा गंदा सा लग रहा है ना, वॉशिंग के टाइम पे इसको बिल्कुल क्लियर आउट करा देंगे। और भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग कूलेंट डालने के बाद पूरा रिफिल होता है कि नहीं होता, कहीं नीचे फिर से लीक तो नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ चेकआउट करेंगे हम लोग। उनसे देख रहे हैं कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। आ रहा ऊपर, अभी तो अंदर ही जा रहा, अभी तो कम होगा ना, अभी भरेगा पूरा, फटाफट फिटिंग कर। जो है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा काम निपट चुका है, अभी बस ब्रेक में जो है वो पूरा प्रेशर बना रहे थे क्योंकि हमारे ब्रेक खुले थे, तो प्रेशर बना लिया। स्टिल जो है भाई एक बारी क्रॉस चेक कर रहे हैं, उसके बाद पूरी गाड़ी को वॉशिंग के लिए दिया जाएगा जिससे बिल्कुल परफेक्ट हो जाए सब चीज़ें। और बाकी अभी भाई चीज़ें चेक कर रहे हैं एयर मार्क, पूरा एयर मारा जा रहा है। आ चुकी है गाड़ी की वॉशिंग की, तो गाड़ी अंदर आ रही है भाई। वॉशिंग एरिया में आ गई है और भाई मेरे को ना कुछ बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया से शैम्पू दिखाए थे और कहा था कि भाई आपको देंगे भी, तो भाई दोगे ना मेरे को? बिल्कुल है, दोगे ना? बिल्कुल। तो भाई देखते भी है कैसे है वो, और गाड़ी कैसी लग रही जरूर बताना। यूज करने वाले हैं वो देख लो, डैशबोर्ड रेसर, ये है अपना ऑल टायर शाइन, ये है अपना बॉडी वैक्स पॉलिश, और ये तो अपना जो है एसी वाला है, ये आपको डाल के दिखा देंगे। और मीनवाइल शैम्पू भी जो है इसमें चल रहा है। आपको कोई एसी वाला दिखाया था कि पूरा एसी का क्लीनिंग हो जाता है, तो इसमें गाड़ी का क्या इंजन ऑन रखना पड़ता है? नहीं, इंजन ऑयल निकल ऑन नहीं करना पड़ता, ये बेसिकली वेंट पे डाल दो, वेंट पे डालना होता है, वेंट पे डाल दो, फिर 10 मिनट कम से कम उसको सोक करने छोड़ दो, कॉइल पे सोक करता है और जितना भी डर्ट है वो डिसॉल्व कर देगा। तो भाई आवाज आ रही होगी, देखो डालो डालो, कितनी बार डालना पड़ता है इसको?
एक कैम पे वही पूरी गाड़ी। अच्छा चलो भाई इस तरफ तो हो गया, अब इधर की बारी है। पूरे उसमें भाई ऐसे ही होगा, क्या तरीके से भाई शैम्पू मार रहा है गाड़ी में देख लो, और अपना यही गो मैकेनिक वाला है, क्या चमक निकल के आएगी सोच लो, मजेदार तरीके से बढ़िया मार दे भाई अलॉय में, है ना, अलॉय चमका दे। आ चुके कि मैं आप लोगों को फाइनल बिल दिखा दूं, किस बिल में जो है सारा ये काम हुआ है, तो भाई देख लो बैटरी वाटर कूलेंट इंजन ऑयल ये सब कुछ देख लो आप, टॉपअप रिप्लेस्ड क्लीन्ड सर्विस्ड ये सब चीज़ें आप मिलवा के, सर्विस कॉस्ट जो है वो पड़ती है 3898, टोटल टैक्स 701 है, और इसको पलटा के देखते हैं भाई, ठीक है, कूलेंट एल्बो जो हमने अलग से लगवाई है, ठीक है, इधर टोटल जो था वो 4600 था, मिसलेनियस में कूलेंट एल्बो जो है वो 1380 की है, और जो टोटल हमें इसका पड़ा है वो है 5980। तो भाई एक चीज़ बताओ, जैसे नॉर्मली जो है मैं जब बाहर से कराया करता था तब मेरी सर्विस होती थी 3000 की नॉर्मल ऑयल चेंज के साथ, तो यहाँ पर एक पार्ट और चेंज हो गया, मतलब डील तो बढ़िया दिला दी, अगली बारी के लिए क्या है ऑफर, कुछ नया ऑफर दोगे मेरे को? बिल्कुल नहीं है, कोई नया ऑफर होगा तो? हाँ, तो भाई ऑफर चेंज होते रहते ना, अपने मुसाफिर वाले स्क्वाड के लिए कौन सा तैयार करवा रहे हो अभी? गो मुसाफिर 10, गो मुसाफिर 10 सारा कैपिटल लेटर में, डिस्क्रिप्शन में देखना भाई, और बाकी तो भाई अपना बिल मिल गया, ठीक है, आप लोगों को दिखाना जरूरी था, और सर्विस टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव है, पहले कह रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी तरीके की दोनों और है? सर बेसिक है, स्टैंडर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो बेसिक वाली जो है बिल्कुल नॉर्मल है, स्टैंडर्ड वाली ठीक ठाक है, कॉम्प्रिहेंसिव वाली बेस्ट है, तो कॉम्प्रिहेंसिव में 5300 का आपने एक आइडिया दिया था मेरे को, और 5300 का आइडिया दिया था, और 55980 वाला ये बिल बना है, ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। चमक का रिस्पॉन्स चेकआउट करो एक बार, क्या चमक आ रही है, भाई शैम्पू तो इफेक्टिव है, फर्स्ट क्लास है, तो ये वो गन वाला सीन क्या है, गन में नहीं डालते क्या आप लोग? फोम गन अभी हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं प्रोक्योर करने का, हम लोग फोम गन यूज करेंगे, तो बेसिकली इनका लेबर भी कम हो जाएगा और अच्छा। ज्यादा काम और इफेक्टिव होगा, भाई देखो मस्त लग रहा है, कितनी मिट्टी निकल रही है, चीज क्या लगवा रहे हो? बॉडी पॉलिश है, बॉडी पॉलिश और वैक्स, तो इसको गीले में लगाते हैं? नहीं अभी सुखाएगा, वो सुखाएगा ये मैं। अच्छा ये भाई सुखाएगा और वो लगाएगा, तो चमक आने देते हैं गाड़ी में, और फिर एंड में दिखाता हूँ क्या चमक आती है, एलॉय में भी जरूर मारना एक, हाँ टायर वाला ही मारियो, चमका देना भाई, गाड़ी हो चुकी है रेडी, और खुद ही आप लोगों ने जज करके बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा, केवल अभी टायर को चमकाना रह रहा, बाकी एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, और बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम हुआ, और मज़ा काफ़ी आया भाई काम करवाने में, सब कुछ चेकआउट कर लो, सब चीज़ें चमक गई है, और इसी के साथ में पीछे की तरफ में चेकआउट करो, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, गो मैकेनिक वालों का अपना स्टिकर अपनी गाड़ी में लगा दे भाई, कहीं पे जहाँ तेरे को पसंद आए, ठीक है भाई, सर्विस डेट गो मैकेनिक डॉट इन, ओके हो गया, तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं अब घर की तरफ निकल रहा था, तो भाई हमारे सीआर साहब जो कि यहाँ पर सब चीज संभालते हैं और एक तरीके से आपको असिस्टेंस देंगे बढ़िया वाला, तो एक चीज बताओ, अगर किसी ने भी गो मैकेनिक में किसी भी तरीके की बुकिंग करवानी है, अपॉइंटमेंट लेना है, किस नंबर पे कॉल करना है एक बार बता दो? 9388938 9388938, तो इतना इजी है, लिख के जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ गए होंगे, और इन्होंने आपके भाई के लिए बहुत बढ़िया चीज भी निकाली है, इनको जैसे पता चला कि मुसाफिर भाई जो है वो यूट्यूब में वीडियो भी बनाते हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर आपकी ऑडियंस में से कोई भी चाहता है
कि भाई हमारे पास काम कराए तो उनके लिए 10% ऑफ है, क्या कोड बनाओगे? गो मुसाफिर 10, गो मुसाफिर 10, और मोस्ट प्रोबेबली जिस टाइम तक वीडियो आएगी उस टाइम तक ये आप कोड एक्टिवेट करवा दो। यस बिल्कुल, ठीक है भाई। तो थैंक्स टू गो मैकेनिक की अपनी गाड़ी सर्विस हो गई है और बाकी जितनी परफेक्शन से हो सकता था काम मैंने करवा लिया है। सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव बढ़िया और लगा हो कि गाड़ी आप लोग ठीक करवाना, रिपेयर कराना, डेंटिंग पेंटिंग जैसा भी काम कराना चाहते हो तो भाई गो मैकेनिक से आप लोग करा सकते हो। इसी के साथ में वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है और भी कुछ देखना है तो भाई जाके फॉलो करो, लिखो MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811 और आपका भाई आप लोगों तक कनेक्ट कर लेगा। तो भाई वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है, वीडियो जब भी एंड करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है भाई? हाँ तो अभी ऐसे बोलूंगा मैं तब करेंगे, ठीक है ना भाई? बहुत स्पीड में निकल रहा है पहले ही जल्दी। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड ओके बाय बाय। ये ओके भाई, बाय बाय।